से करेंगे। पीपल्स आर्ट सेंटर से हमारे साथ हमारे सतीश सर हैं, वो आएंगे और पुष्प गुच्छ देंगे कलर जी को, सतीश जी को। हम देंगे भाई। और मैं चाहूंगी कि ज्योति वेंकटेश जी हैं, वो भी स्टेज पर आ जाइए। आज एक किताब का अनावरण होना है और उसे कंपाइल ज्योति जी के लिए। अनूप और हम, हमारा जो सामाजिक चैनल है, हमारा साथ बहुत 50 साल से ज्यादा लंबा है, 50 साल से ज्यादा लंबा है वो। और मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और हमारा रिश्ता जो है, जो एक मोहब्बत और प्यार का है, वो इतने साल से बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ आया है। इनफैक्ट मैं कहूँगा शिद्दत समझिए आप, बिल्कुल होता है मतलब इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, शिद्दत बढ़ती जा रही है, और इस शिद्दत का इख्तिताम क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम तो दुआ करते हैं कि और तरक्की करें और अल्लाह इनको, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत कम होते हैं। वाकई मैं दिल से कह रहा हूँ कि फनकार तो बेहतरीन नहीं है इंसान, ये बहुत कमाल का इंसान है। दैट इज व्हाट मैटर्स। इस चीज के लिए बोला पाएंगे और हो जाएगा। हम दुआ करते हैं 50 से 100 साल इंशाल्लाह और रहे। और मैं सिर्फ ये मुझे देखने के बाद बाकी तो अनूप भाई आपके सामने कैसे जुड़ कर सकता हूँ जी, लेकिन सुनिए आपके सामने मेरा ख्याल नौजुबिल्ला अगर तरस साहब वो भी नहीं गाते उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप बैठ जाए। जी थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, तो बातवादी के साथ मैं तो फिर से मैं आपसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि इससे खास मौके पर मेरी शिरकत हुई। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चाहूंगी जॉली जी से। तरस जी के बाद में क्या मतलब कितना सही बोला उन्होंने कि आर्टिस्ट तो लाजवाब है, बट मैं एक काफी लोगों को पता नहीं है एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं मेरी जिंदगी शुरुआत की थी एज ए कोरस सिंगर एंड आई एम वेरी प्राउड दैट अनुप जी के, तरस जी के बहुत से गाने मैंने कोरस में आए हैं और आज इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर टू शेयर देम प्राइज विद देम एंड मेनी मोर जुबलीज, गोल्डन जुबली और जुबली आए और भैया ऐसे ही हमारे नमस्कार। अनुप जी को कम से कम 35-40 साल से बहुत नजदीक से मैंने देखा है, जाना है, बहुत हमारे संबंध क्लोज रहे हैं। इतनी डेडिकेशन अपनी आर्ट की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने पिता गुरु, उनके प्रति जो इनकी श्रद्धा मैंने बहुत नजदीक से देखी है, अपने फैमिली के प्रति। तो जैसे तरस जी ने कहा फनकार तो ये ऐसे ऊंचाई पे है कि वो सब आप जानते हैं, लेकिन there is always an element of a human being which I think very few people can match like Anup ji. ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा है और अनुप जी को मैंने देखा है कि काफ़ी सारे क्लासिकल म्यूजिक में जब भी वो बॉम्बे में रहते हैं, अगर बिजी नहीं है क्योंकि उनका ट्रैवल भी बहुत होते रहता है, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि इतनी बड़ी हस्ती, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ, अनुप जी शायद अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन किसी को फेवर नहीं पूछते, खुद जाके टिकट खरीद के वो कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं। और ये जब मुझे हमारे ही प्रोग्राम में मैंने एक बार देखा, मैंने कहा अनुप जी आप तो ऐसे ही आ सकते, आपको तो सारी दुनिया जानती है, बोले लेकिन हम हमारे संगीत की इज्जत रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे लगता है हम जैसे को भी सीखना चाहिए आपसे और सीखते रहेंगे। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, 50 साल एक फील्ड में इतने डेडिकेशन से आपने काम किया है। आई विश दैट ऐसे ही 100 साल आप करते रहे और हम भी आपके साथ सामने आके आपको सुनते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ज्योति लक्ष्मी जी यहाँ है जिन्होंने आज बहुत अच्छी एक स्मॉल मैगजीन जैसी स्मॉल ब्रोशर उन्होंने प्रिंट किया है, वो अभी आपके सामने आए हैं, लेकिन दो शब्द ज्योति से जरूर सुनेंगे। ज्योति हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जर्नलिस्ट बाद में हैं, हमारे दोस्त पहले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ आप सबके सामने, आज मैं सबके सामने आई हूँ। इतने बड़े बड़े कलाकार सबने अपना अपना प्रोग्राम दिखाया, जैसे आज मेरे अनूप मेरा बेटा सारी दुनिया में छाया, सब उसे आशीर्वाद देते हैं, सब प्यार करते हैं। वैसे मैं